निस्ता बीएड कॉलेज में राज हज कमेटी के कार्यालय का शुभारंभ। बलिया बलौन थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हज को जाने वाले जायरीनों की सुविधा के लिए बिहार राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल हक, सचिव राशिद आलम, सदस्य शाह खान कहा बारगाहे इक्ष मितन घाट पटना के गड्डी नस्सा हजरत ख्वाजा आमिर शाहिदी के द्वारा बीएड कॉलेज निस्ता में अस्थाई कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कहा कि यहां हज तरतीबी कैंप का आयोजन की व्यवस्था होगी। हज में जाने वाले जायरीनों को जरूरी जानकारी देते हुए बताया कि जायरीनों की सुविधा के लिए निस्ता बीएड कॉलेज में अस्थाई कार्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है। इस क्षेत्र के लोगों को यहां से हज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी, साथ ही सभी तरह की जरूरी जानकारी यहां से हासिल हो सकेगा। रीजनल ऑफिस कायम करने का हम लोगों ने मन बनाया है और जहां हजरत आमिर शाहिद साहब हमारे साथ बिहार स्टेट हज कमेटी में साथ है, तो इसलिए आज इनके कॉलेज को आज हम लोग ने कटिहार को इसमें हम लोगों ने रीजनल ऑफिस बिहार स्टेट हज कमेटी का यहाँ पे बनाया है, क्योंकि एक कटिहार ज़िला से आज भी ने हज की तादाद अच्छी खासी है, तो इस वजह से आज हम लोग ने इस यहाँ पे अपना ऑफिस कायम किया है और हज का फॉर्म निकल चुके हैं और हज मुहिम भी हम लोग चला रखे हैं। तमाम ज़िलाओं के अंदर हम लोग जा रहे हैं, हाजियों को फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी सिलसिला इस सेंटर से शुरू करेंगे। अपने ज़िला का ये एरिया है, ये रीजनल ऑफिस, ये हम लोग चार ज़िला को कवर कर रहे हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया को हम लोग इस सेंटर से जोड़ेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर हम लोग आपको लगने रहा या हम दो रास्ते में बहुत दिक्कत होगी लोगों को। आज जैसे एक अभी तो लोग ऑनलाइन फॉर्म अपने अपने एरिया से भर रहे हैं, उसके बाद उनको पटना जाना पड़ेगा फॉर्म सबमिट करने के लिए। वो पटना ना जाके अगर वो यहाँ पे ला के जमा कर देते हैं तो यहाँ पे सहूलत हो जाएगी, यहाँ से चार ज़िला के फॉर्म को सबमिट करके पटना भेजने के लिए। अपना था मैं बिहार स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन हूँ जी। यहाँ जो तशरीफ लाए हैं और जो हज कमेटी की तरफ से जो यहाँ मुहिम चलाया जा रहा है इसमें कहते हैं, यहाँ पे आकर के बड़ी खुशी हो रही है। रियासती हज कमेटी की जानिब से हम लोग राबता मुहिम पर निकले हुए हैं और राबता मुहिम के साथ साथ तरगीब हज के हवाले से भी हम लोगों की कोशिशें जारी हैं और मुख्तलिफ अजला में जाकर के हम लोग जो ज़िले के ज़िम्मेदार हजरात हैं उन लोगों से राबता कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हज के फॉर्म के सबमिशन में किसी तरह की कोई दुश्वारी तो नहीं आ रही है। कल हम लोग पूर्णिया में थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह कटिहार में हैं, ज़िले में भी एक प्रोग्राम करके अभी हम लोग आ रहे हैं और यहाँ पे जो हम लोगों का इलाकाई दफ्तर फ़ाल रहेगा, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह उससे इलाके के हज के जो आज़मीन और आज़मात हैं उनको बड़ी सहूलत होगी हज का फॉर्म भरने में और हज के तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद भी इंशाल्लाह यहाँ पे किया जाएगा। तो हज के हवाले से मैं बहुत ही पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ पे इलाकाई पासपोर्ट ये हज दफ्तर के फाल होने की वजह से इलाके के हज के आज़मीन और आज़मात को बड़ी सहूलत होगी और कटिहार ज़िला से बड़ी तादाद में हज के आज़मीन और आज़मात तशरीफ़ लाते ले जाते हैं और दो तीन साल पहले की बात है कि पटना के आज़मीन और आज़मात की मजमूई तादाद से कटिहार ज़िला के आज़मीन और आज़मात की जो तादाद थी वो ज़्यादा थी। 680 आज़मीन और आज़मात कटिहार से तशरीफ़ ले गए थे जबकि पटना से सिर्फ 590 ही हाजी तशरीफ़ ले गए थे हज के लिए। तो कटिहार से आज़मीन की एक बड़ी तादाद है और इसको पेश नज़र रखते हुए हम लोगों ने कोशिश की है कि यहाँ के आज़मीन और आज़मात को हज के हवाले से हर मुमकिन सहूलत फराहम कराई जाए और ये उसी समत में उठाया गया कदम है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मतलूबा मकासिद हासिल होंगे। राशिद हुसैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बिहार स्टेट हज कमेटी, पटना।